Hello student, today we are going to deal with the second lecture in marketing management. So let's begin with the chapter. In this video we are going to study about marketing management and the core concept of marketing, that is need, wants, demand and product. So let's start with marketing management. As in the previous video I told you that what the marketing means. Now in this video I am going to discuss on marketing management. Now what the marketing management basically is, these are the activities and the functions which are involved in distribution of goods and services. So basically, as you know that the producer is one who produces the things. Jo producer hota hai wo apne product ko banata hai, and the purpose is to make it available for the consumer ke liye usko uplabdh karana. To is process ko manage karna hi marketing management hai. That is, these are the activities and the functions which involves in the distribution of goods and services. To goods and services ke bare mein humne thoda si baat ki hai. Goods ko hum chhu sakte hain, services ko hum nahi chhu sakte hain, theek hai. Goods jo hote hain they are standardized somewhere, whereas service could not be standardized because हर बार जब आप सर्विस देते हैं तो वो अलग हो जाती है. अभी जो हमारा मेन पर्पस है वो गुड्स और सर्विस का डिफरेंस देखना नहीं है, मार्केटिंग मैनेजमेंट के फंक्शन को पढ़ना है. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट अपने आप में उन सभी एक्टिविटीज़, उन सभी फंक्शंस को कहते हैं जो कि सर्विस या प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प कराता है, यानी कि कंज्यूमर तक पहुँचाने में हेल्प करता है. इस डेफिनेशन को अच्छी तरह समझने के लिए, इस वर्ड को मार्केटिंग मैनेजमेंट को समझने के लिए हमें और डिटेल में जाना होगा. तो वी हैव टू गो थ्रू द फिलिप कॉटलर डेफिनेशन. नाउ व्हाट द फिलिप कॉटलर डेफिनेशन सेज, आई हैव डिवाइडेड दिस इनटू सेवरल पॉइंट्स, आई हैव ब्रोकन दिस इनटू सेवरल पॉइंट्स. सो लेट्स गो थ्रू दिस. फर्स्टली इट इज द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल. फोर थिंग्स. एनालिसिस मीन्स हमें जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा कोई तरीके होते हैं करने के लिए किसी काम को, तो हम उसको कंपेयर करके देखते हैं कि विच इज़ द बेस्ट वे, राइट. सो एनालिसिस मीन्स कंपैरिजन टू ब्रिंग आउट द बेस्ट रिजल्ट. क्या हमें करना चाहिए, क्या प्रोडक्ट बनाना चाहिए, क्या सर्विस बनानी चाहिए, किस तरीके से कंज्यूमर के पास जाना चाहिए, ठीक है. ये सब डिसाइड हमने किया, किस प्राइसिंग पे जाना चाहिए. फिर हम उसको प्लान करते हैं, फिर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट करते हैं, मार्केट में फील्ड पर उतारते हैं. भाई हमने डिसाइड किया कि हम जो है रिटेल स्टोर्स और होलसेल स्टोर्स के थ्रू जाएंगे, तो हमने उनके थ्रू जो है उनसे टाई अप करना शुरू किया, एंड वी हैव प्रैक्टिकली डन दिस. सो दैट इज़ कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन. एंड कंट्रोल, कंट्रोल मीन्स चेकिंग आउट वेदर इट इज़ गिविंग द डिजायर रिजल्ट और नॉट. जब हम कोई चीज़ प्लान कर लेते हैं तो हम ये ज़रूर देखते हैं कि जो हमने प्लान किया था क्या वो प्रॉपरली जिस रिज़ल्ट को देना चाहिए था, क्या वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ रहा है. इसको बोलते हैं कंट्रोल. कंट्रोल में हम जरूर ये देखते हैं कि अगर हम अपने टारगेट से दूर हैं तो कितना दूर हैं, और उस दूरी के क्या कारण हैं और उनको हम हटा सकते हैं. दिस इज़ कॉल्ड कंट्रोल, राइट. वी जस्ट वांट टू नो व्हाट इज़ द गैप बिटवीन द रिजल्ट एंड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, द एक्चुअल रिजल्ट एंड द एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एंड वी ट्राई टू फुलफिल द गैप बाई करेक्टिंग द थिंग्स. सो दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल. तो यहाँ पर जब हम फिलिप कॉटलर की डेफिनेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट की बोलते हैं, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज़ एनालिसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स. कौन से प्रोग्राम? डिज़ाइन टू ब्रिंग अबाउट डिज़ायर एक्सचेंज विद द टारगेट मार्केट. जो प्रोग्राम ये ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं कि कैसे कंज्यूमर के साथ हम एक्सचेंज प्रोसेस में आ सकते हैं. हमने पीछे बताया आपको एक्सचेंज प्रोसेस जो होता है उसमें दो पार्टियों का होना ज़रूरी होता है, एक ख़रीदार होता है, एक बेचने वाला होता है और एक ख़रीदने वाला होता है. तो यहाँ पर भी एनालाइज करना, प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना और कंट्रोल करना उन प्रोग्राम्स को जो कि डिज़ाइन किए गए हैं कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए या उसको एक्सचेंज में इन्वॉल्व करने के लिए. और क्यों कर रहे हैं हम? फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं. प्रॉफिट मेकिंग इज़ वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, देन सोशल वेलफेयर भी हो सकता है, बट देन इट विल बिकम एन एनजीओ, राइट. सो बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग इज़ द कोर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो नाउ
इफ वी डिवाइड द होल और इफ यू ज्वाइन ऑल दीज थ्री पॉइंट्स वी विल कम टू द डेफिनेशन ऑफ गिवन बाई फिलिप कॉटलर, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट इज एनालिसिस प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ब्रिंग अबाउट डिजायर एक्सचेंज विद द टारगेट मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल. प्लान कर एनालाइज करना, प्लान करना, इम्प्लीमेंट करना और कंट्रोल करना मार्केटिंग प्लान्स को, जिससे कि हम कंज्यूमर के साथ एक्सचेंज में आ सकें और जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो पूरे हो सकें. दिस इज़ कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट. सो बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट इज मार्केटिंग इज ए कंसेप्ट वेयर एज मार्केटिंग मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस. मार्केटिंग को करने का प्रोसेस जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है, राइट. देन मूविंग नेक्स्ट, इट इज़ हैवली रिलाइंग ऑन द डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफरिंग द टर्म ऑफ लाइक टारगेट मार्केट नीड्स एंड डिज़ायर. तो टारगेट मार्केट की नीड्स क्या है? टारगेट मार्केट मीन्स हमारा जो कंज्यूमर है जो या हमारा जो कस्टमर है जिसको हमें टारगेट करना है, उसकी क्या नीड्स हैं, क्या डिज़ायर हैं, इसके ऊपर भी हमारी एनालिसिस प्लानिंग जो भी हमारी ऑफरिंग्स हैं वो सब इसके ऊपर डिपेंड करेंगी. बहुत कॉमन है. एंड कोई भी जो प्लान होते हैं या जो भी हमारी मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कुछ चीज़ों से. क्या क्या? प्राइजिंग, कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू इन्फॉर्म, मोटिवेट एंड सर्विस द मार्केट. सो बेसिकली प्राइजिंग कैसी है? प्राइजिंग बहुत इफेक्ट करती है आपके मार्केटिंग प्लान को, क्योंकि इंडिया में हम अगर हम मिडिल क्लास कंज्यूमर या कस्टमर की बात करें सो दे आर प्राइस कॉन्शियस. सो इन दैट केस प्राइस सेंसिटिव कस्टमर हमारे यहाँ पर रहता है, तो वी हैव टू डील विद द राइट प्राइजिंग. देन कम्युनिकेशन, दैट इज एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट शुड बी वेरी करेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, राइट. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू गो फॉर समथिंग विच इज़ बींग टारगेटेड टूवर्ड्स मिडिल क्लास, देन वी कैन यूज़ रेडियो, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया. बट डिजिटल मीडिया विल बी मोर सूटेबल फॉर द मेट्रोज वेयर द पीपल आर हैविंग इंटरनेट इन देयर फोन्स, वेयर एज इन सम रूरल मार्केटिंग और सम रूरल एरियाज इट विल नॉट बी सूटेबल. देयर द प्रिंट मीडिया विल बी सूटेबल. तो जैसे हम बात करते हैं कुछ गाँव के ग्रामीण इलाके हैं, तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें रेडियो का प्रयोग या टेलीविज़न जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं उनका प्रयोग करना चाहिए, ठीक है. हम कुछ छोटे शहरों की बात करें तो वहाँ पर हमें प्रिंट मीडिया जैसे कि आपके न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, इनका यूज़ करना चाहिए. जब हम बात करते हैं मेट्रोज का या जो बड़े शहर हैं उनका, तो वहाँ पर हमें डिजिटल मीडिया बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे सकता है क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास इंटरनेट का बड़ा यूसेज होता है. तो यहाँ पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कंज्यूमर या टारगेट कस्टमर हमारा कैसा है. देन मार्केटिंग मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्लानिंग द डेफिनेट प्रोग्राम आफ्टर केयरफुल एनालिसिस, फोरकास्टिंग ऑफ मार्केट सिचुएशन एंड अल्टीमेट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट कुछ नहीं, सिर्फ एक प्लानिंग है जिसमें हम प्रोग्राम बनाते हैं मार्केट को रीड करने के बाद, फोरकास्ट को रीड करने के बाद. फोरकास्ट मीन्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट इन फ्यूचर, जो हमारा रिजल्ट आ सकता है अगले एक दो साल में, हमारा प्रोडक्ट कितना बिक सकता है, हमारी मार्केट की सेल कितनी हो सकती है, हमारे प्रोडक्ट की सेल, हमारा मार्केट शेयर कितना हो सकता है, इसकी फोरकास्ट को ध्यान में रखते हुए हम अपना प्लान बनाते हैं, ठीक है. और उसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं इन सच ए वे दैट इट शुड ब्रिंग्स और अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और हम उसको एग्जीक्यूट कुछ इस तरह करते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के पूरे हो जाएँ. मार्केटिंग मैनेजमेंट में जब हमने बात की है तो द सेल टोटली डिपेंड्स अपॉन द कंज्यूमर मोटिव्स एंड द रिक्वायरमेंट्स. नाउ व्हाट द कंज्यूमर नीड बेसिकली, मोटिव मींस व्हाट इज देयर मोटिव टू परचेज समथिंग. लाइक समबडी इज परचेजिंग लाइक इन्वर्टर फॉर देयर फैक्ट्री, तो फैक्ट्री का इन्वर्टर जो होगा उसका कंजप्शन ज़्यादा होगा, ठीक है, घर के इन्वर्टर के कंपेरिजन में. तो हमें रिक्वायरमेंट और मोटिव को जानना है, ठीक है. किसी ने अगर गाड़ी ली है तो उसको डेली, लाइक सपोज उसने गाड़ी ली है क्योंकि उसको पैसेंजर लेके जाने हैं, कमर्शियल व्हीकल लिया उसने, और किसी ने गाड़ी ली है क्योंकि उसको कभी कभी घूमने जाना है अपनी फैमिली के लिए, उसने डोमेस्टिक एक अपने लिए एक पर्सनल व्हीकल लिया. तो दोनों ही व्हीकल के जो टारगेट कस्टमर हैं वो भी अलग हैं,
और वो प्रोडक्ट भी कंपनी को अलग से ही बनाने पड़ेंगे, उनके ऊपर ऑफरिंग भी अलग से देनी पड़ेगी। तो कंज्यूमर का जो रिक्वायरमेंट और मोटिव है वो भी काफ़ी मायने रखता है। एंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू गो विद द राइट प्राइजिंग, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टिमुलेटिंग द कंज्यूमर थ्रू द बेस्ट सर्विस। तो जब भी हमें अपने ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, चाहे वो प्रॉफिट है चाहे कुछ भी है, तो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, राइट प्राइस पे जाना पड़ेगा। राइट प्राइस किसे कहते हैं, विच इज़ अफोर्डेबल एंड विच इज़ इन कंपैरिजन टू द कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। कॉम्पिटिटर को भी देखते हुए हमें अपनी प्राइसिंग करनी पड़ती है। मान लीजिए अगर मैं पेन बेचता हूँ, मतलब लेट सपोज आई एम द रोटोमैक कंपनी, देन सेलो का, रेनॉल्ड्स का या किसी और कंपनी के क्या प्राइजेस चल रहे हैं उस रेंज में, ये देखते हुए मुझे अपनी प्राइसिंग रखनी पड़ेगी। प्राइसिंग प्लेज ए मेजर रोल। एंड देन इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, ये हम बात कर चुके हैं कि आपके एडवर्टाइजमेंट में कितना इफेक्ट होगा। यू कैन एसोसिएट योर एडवर्टाइजमेंट विद सम स्टोरी, राइट? आप किसी स्टोरी, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में आप प्रोडक्ट भूल जाते हैं लेकिन वो स्टोरी आपको याद रहती है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप वोडाफोन का ऐड ले सकते हैं, आप बहुत सारे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप मारुति का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप नैनो का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप थम्सअप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यू रिमेंबर दैट एडवेंचर विच इज़ बींग फॉलोड बाई सम लाइक एक्टर एंड ऑल, राइट? सो बेसिकली दैट एडवेंचर रिलेट टू द प्रोडक्ट। सो बेसिकली यू लर्न, यू रिमेंबर द स्टोरी और द मैसेज बिहाइंड दैट एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट हमें बहुत इफेक्टिवली करना है। देन सेल प्रमोशन, सेल प्रमोशन जब हम बात करते हैं तो व्हाट विल बी द लाइक व्हाट विल बी द फ्री बीज ऑन दैट, एंड देन गारंटी, वारंटी, देन इफ परचेज टू देन यू विल गेट वन फ्री, दिस ऑल विल कम अंडर सेल प्रमोशन। देन डिस्ट्रीब्यूशन, द चैनल्स, द प्रॉपर चैनल, जो भी आप एक मीडिएटर ले रहे हैं कस्टमर तक पहुंचने के लिए, उसको हम चैनल कह देते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। तो कंपनीज आजकल मल्टी चैनल भी जा रही हैं, सेम प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न, आपको रिटेल स्टोर, आपको वी मार्ट, देन बिग बाज़ार, इवन आपके किराना स्टोर जो आपके नियर बाई घर पे है उसको, इन सभी पे आपको मिल जाता है। तो राइट प्राइस रखना है आपको, एडवर्टाइजमेंट अच्छा रखना है, देन सेल प्रमोशन शुड बी द बेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन स्टिमुलेटिंग द कंज्यूमर थ्रू बेस्ट सर्विस। इफ़ यू प्रोवाइड बेस्ट सर्विस देन देर विल बी ए वर्ड ऑफ माउथ क्रिएटेड इन द मार्केट एंड दैट विल स्टिमुलेट द अदर कंज्यूमर टू कम टू यू, अदर कस्टमर टू कम टू यू। तो आप जब कोई काम करते हैं और अच्छा करते हैं तो वो बात फैल जाती है और कहीं ना कहीं उस बेस्ट सर्विस से आप नए कस्टमर को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं। तो जब हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम इसमें राइट प्राइजिंग, इफेक्टिव एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन कैसे हमें रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिफरेंट सर्विस, बेस्ट सर्विस एक्टिविटीज़ कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर्स, राइट? ये हमें ध्यान में रखना होता है। सो जब हम बात करें, अगर हम इसको एक निचोड़ में बात करें, एक जिस्ट में बात करें, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स। मार्केटिंग प्रोग्राम्स को बनाना और उसको एग्जीक्यूट करना कुछ इस तरीके से कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएं, राइट? सो दैट मीन्स मेकिंग मार्केटिंग प्रोग्राम इन सच ए वे दैट वी कुड अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड टू अचीव दिस गोल्स वी हैव टू प्रॉपरली गो विथ सम स्टेप, दैट इज प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल। प्लान बनाइए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए प्रैक्टिकली, देन चेकआउट के कहाँ पर डेफिशिएंसी है, कहाँ पर कमी है, हमारे ऑब्जेक्टिव कितने अचीव नहीं हुए हैं, क्यों अचीव नहीं हुए हैं, और फिर उसको करेक्ट करें, ठीक है? एंड देन रिपीट द सेम। सो दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। देन लेट्स गो थ्रू सम इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। फर्स्टली, टू बीट कॉम्पिटिशन यू हैव टू वर्क ऑन योर मार्केटिंग प्रोग्राम्स थ्रू मार्केटिंग मैनेजमेंट, राइट? And you have to keep on improving your methods to reach the customer, that is distribution. अपने distribution को आपको इतना strong बनाना है कि आप competitors से पहले customer तक पहुँच जाएँ, कम cost में पहुँच जाएँ और ज़्यादा profit आप निकाल सकें, right? हमें ऐसे अपने customer तक पहुँचना है। तो आप उसके लिए, अब आपको ये देखना है क्या मुझे अपना
जो ट्रांसपोर्ट है वो क्या मुझे, जो लॉजिस्टिक है मेरी, क्या मैं उसको आउटसोर्स करूँ, किसी दूसरे से कराऊँ, किसी दूसरे की गाड़ी यूज़ करूँ या अपनी यूज़ करूँ, अपनी खरीदूँ, ठीक है, क्या मुझे उसमें फ़ायदा मिलता है, क्या मैं उसमें टाइमली पहुँच पाता हूँ। दूसरा, क्या मैं रिटेल स्टोर्स के थ्रू जाऊँ, होलसेल्स के थ्रू जाऊँ, ऑनलाइन के थ्रू जाऊँ, राइट, ये मुझे डिसाइड करना है जिससे कि मैं कॉम्पिटिटर से पहले कस्टमर की चॉइस में आ जाऊँ और उसको बेस्ट प्राइस दे सकूँ जिससे कि मेरी सेल बढ़ सके, मेरा प्रॉफिट बढ़ सके। देन सेकेंड, जब हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जब हम बात करते हैं कमर्शियल या बिजनेस एंटरप्राइजेस की, यानी कि जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होती हैं जिनका कोर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मेकिंग एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, वहाँ पर मार्केटिंग मैनेजमेंट का रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है। देन न्यू मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट, नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए भी आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इट इज़ प्लानिंग। सो यू प्लान द थिंग्स, यू इम्प्लीमेंट, यू सी द डेफिशिएंसी एंड देन यू फुलफिल द डेफिशिएंसी, यू कंट्रोल, सो दैट इज़ कॉल्ड मार्केटिंग मैनेजमेंट। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स टू पुट द न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। लाइक सपोज आपका कोई प्रोडक्ट ऑलरेडी चल रहा है, आपके 3 प्रोडक्ट चल रहे हैं, तो आप कोई नया प्रोडक्ट डाल सकते हैं, लेकिन किस तरीके से आप अपनी ब्रांड वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, आप प्रीवियसली आपने जो प्रोडक्ट डाले हैं उन्होंने जो मार्केट क्रिएट किया है, जो फेथ क्रिएट किया है, उस फेथ का यूज़ करते हुए आप जो है आगे इसको यूज़ कर सकते हैं, और इससे आप न्यू प्रोडक्ट मार्केट में डालने के लिए भी हेल्प करता है। देन टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं उनको आप मार्केट में ज़्यादा शेयर, मार्केट शेयर लेकर के ज़्यादा कस्टमर तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है, और जब ज़्यादा तक पहुँचेगा तो आपको अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ानी होती है, तो अल्टीमेटली इट लीड्स टू इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। देन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिकॉज मार्केटिंग मैनेजमेंट मेन पर्पज़ इज़ ऑल्सो टू मेक कस्टमर अवेयर अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सो जब आपको ज़्यादा लोग जानने लगते हैं, देन यू हैव टू इन्वेस्ट ए वेरी लेस ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटी, सो इट रिड्यूस योर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। कहीं ना कहीं आपकी सेल और डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि लोग आपको जानते हैं, जानना शुरू कर चुके हैं, तो ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की वजह से होता है, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट पब्लिसिटी भी आती है। पब्लिसिटी मीन्स पब्लिक को ये बताना, विच इज़ अ पार्ट ऑफ लाइक एडवर्टाइजमेंट। अगर हम बात करें तो आप कैसे उसको, आप पब्लिसिटी में आप कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, स्पॉन्सर कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे फेयर एंड लवली ब्यूटी कॉन्टेस्ट, तो फेयर एंड लवली वहाँ पर पैसा लगा के उसको स्पॉन्सर करता है और उसका नाम होता है, जैसे वीवो ट्राई सीरीज़ और पेटीएम ट्राई सीरीज़, राइट, पेटीएम वर्ल्ड कप, सो दिस आर द स्पॉन्सरशिप। तो ये भी करके आप अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड इमेज आपकी बन जाती है और लोग आपको अच्छा मान के ज़्यादा प्राइस पे भी खरीद लेते हैं देन आपके प्रोडक्ट को। एक्सपोर्ट मार्केट, जब आपका प्रोडक्ट जाना पहचाना हो जाता है, जब उसकी मार्केट बन जाती है डोमेस्टिक मार्केट में, तो वो आप इंटरनेशनल भी लेके जा सकते हैं, एंड दिस हेल्प्स यू टू गो फॉर एक्सपोर्ट। मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी किया जाता है। देन लास्ट इज पर कैपिटा इनकम एंड द डिमांड फॉर मोर गुड्स बाय द कंज्यूमर। तो जब ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है, ज़्यादा डिमांड होती है, तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की इनकम का भी ध्यान रखती है और उससे इनकम बढ़ती है। अल्टीमेटली जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है, और प्रोडक्शन बढ़ती है तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है। तो दिस इज़ ए गुड साइकिल, जो एक साइकिल चल जाती है, ज़्यादा प्रोडक्शन देन ज़्यादा आप कहेंगे एम्प्लॉयमेंट, देन ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा पैसा लोगों के पास, यानी कि एम्प्लॉयज़ वगैरह के, वही कंज्यूमर भी है, कस्टमर भी है, ठीक है, देन मोर डिमांड, वो ज़्यादा डिमांड करते हैं फिर, क्योंकि उनके पास पैसे आ जाते हैं, ठीक है, एंड देन देर विल बी मोर प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड दिस विल गोज़ ऑन। तो ये एक साइकिल चल जाती है, जब आपके पास जो है पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ करना और प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है, ये और डिमांड को बढ़ाना, इसमें भी हेल्प करता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट चलेंगे हम, कुछ कोर कंसेप्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड। जब हम कोर कंसेप्ट की बात करेंगे तो ये वो कंसेप्ट हैं जो कि हमें जानने हैं मार्केटिंग को पढ़ने के लिए। सबसे पहले नीड्स के बारे में बात करेंगे, आज हमारा टॉपिक नीड्स, वांट्स और डिमांड को ही क्लियर करेगा, तो नीड्स के बारे में जानेंगे, वांट्स क्या होता है, डिमांड क्या होता है, देन प्रोडक्ट क्या होते हैं, यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन जिसे आप इकोनॉमिक्स में यूटिलिटी कहते हैं, तो वो सेटिस्फेक्शन क्या है, देन रिलेशनशिप एंड नेटवर्किंग क्या है,
मार्केटर कौन होते हैं, देन मार्केट क्या होती है, प्रोस्पेक्ट्स कौन हैं, ये सब हम पढ़ते हैं। तो लेट्स बिगिन विद द नीड। जरा देखें कि क्या होती है नीड्स हमारे पास। जब हम नीड्स की बात करते हैं, सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट विच आर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। जो भी हमें जीने के लिए चाहिए उसको हम नीड कह देते हैं। जैसे कि हमें प्यास लगती है तो हमें पानी चाहिए, हमें हमें रहने के लिए घर चाहिए, हमें खाने के लिए खाना चाहिए, ठीक है। दिस ऑल कम्स अंडर नीड्स, ये सभी नीड में आ जाते हैं। तो जो भी हमें जीवन यापन करने के लिए चाहिए उसको हम नीड कह सकते हैं। जैसे कि फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, बिलोंगिंगनेस, ठीक है। आजकल बिलोंगिंगनेस के भी बारे में हम बात करेंगे। ये भी आजकल एक बहुत बड़ी नीड हो गई है। वी आर सोशल एनिमल, सो इन दैट केस वी रिक्वायर सम फ्रेंड्स, सम कोलीग्स टू हुम वी कैन शेयर आवर थिंग्स। हाँ, वो उससे क्या होता है, हम डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, हम अपनी बातें रख पाते हैं, हम व्यूज़ ले पाते हैं, हम डिसीजन ले पाते हैं। सो ये भी हम पढ़ेंगे। देन इट इज़ ए स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन। इट इज़ ए स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन मीन्स अनफुलफिल नीड। जब भी हमारे को कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम परेशान होते हैं। तो ये जो परेशानी है इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ डेप्रीवेशन, ठीक है। जब भूख लगती है तो आप सोते नहीं हैं, आप खाना ढूंढते हैं। कोई भी एनिमल सोता नहीं है, वो खाना ढूंढेगा, क्योंकि तो अनफुलफिल नीड को पूरा करने के लिए जो हम करेंगे वो आगे हम पढ़ेंगे। तो जो अनफुलफिल नीड होती है उसको हम एक तरह से नीड कह सकते हैं। दिस इज द स्टेट ऑफ डेप्रिवेशन। देन दिस आर नॉट क्रिएटेड बाय मार्केटर और सोसाइटी। नीड्स कैन नेवर बी क्रिएटेड। लेट मी टेल यू, किसी भी व्यक्ति के अंदर नीड कभी भी कोई मार्केटर, कोई कंपनी क्रिएट नहीं कर सकती। सिर्फ उसको उजागर कर सकती है, उसको बाहर ला सकती है अपने एडवर्टाइजमेंट से, अपने प्रमोशंस एक्टिविटीज से, अपने ऑफर से उसको बाहर ला सकती है। लाइक सपोज एक एम्प्लॉई है, वो क्लर्क की जॉब करता है, वो चाहता है कि वो एक बाइक खरीदे उसको आने जाने में सुविधा के लिए, अपने बच्चों को इधर उधर ले जाने के लिए, अपनी फैमिली को इधर उधर ले जाने के लिए। तो वो क्या करता है, उसके मन में वो हिडन नीड चल रही है, इसको हम लेटेंट नीड कहते हैं, ठीक है। लेटेंट मीन्स छिपी हुई। तो लेटेंट नीड जो है उसके अंदर वो नीड छिपी हुई है। अब क्या होता है, एक कंपनी जो कि बाइक बेचती है, उसका एक एजेंट या उसका एक सेल्समैन उनके पास आता है। वो उनको कैटलॉग दिखाता है, ठीक है। कैटलॉग मतलब पिक्चर्स दिखाता है, उसके बारे में बताता है, उसके ऊपर। अब बात आती है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, तो फिर वो उनको ऑफ़र भी देता है कि सर मैं आपका जो है लोन करा दूंगा और आपको इतनी डाउन पेमेंट करनी है, रेस्ट यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट। सो दिस इज़ हाउ दैट पर्सन नाउ एग्री टू परचेज दैट बाइक। सो जो अंदर की नीड थी उसको निकाला जाता है। तो नीड कभी भी पैदा नहीं की जा सकती, सिर्फ छुपी हुई होती है, उसको निकालने का काम मार्केटर करता है। एंड नीड बेसिक और फिजियोलॉजिकल या जेनरिक हो सकती है, ठीक है। अब हम टाइप्स ऑफ नीड्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ नीड्स में नीड्स को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। बेसिक या प्राइमरी नीड हम बोलते हैं उसको, बेसिक साइकलो फिजियोलॉजिकल नीड या फिर प्राइमरी नीड, ठीक है। देन सेकेंड वन विल बी सोशियो साइकोलॉजिकल नीड और सेकेंडरी नीड। थर्ड वन इज जनरल नीड। सो लेट्स गो थ्रू व्हाट द बेसिक साइकोलॉजिकल नीड मीन्स। जब हम बेसिक सॉरी फिजियोलॉजिकल नीड मीन्स, तो बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड मीन्स जो हमारे फिजिकल बॉडी को चाहिए। लाइक अगर हमें प्यास लगती है तो वो हमारी एक फिजियोलॉजिकल नीड है। अगर हमें भूख लगती है तो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है। हमें गर्मी लगती है तो हमारी फिजिकल एक नीड है। अगर हमें ठंड लगती है तो हमारी फिजियोलॉजिकल एक नीड है। इसको हम प्राइमरी नीड भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप जब हायरार्की लेवल में, मैक्स लॉ के हायरार्की लेवल में आप जाते हैं, तो उसमें आप देखते हैं कि सबसे पहली जो नीड है वो बेसिक नीड ही है आपकी, यानी कि प्राइमरी नीड ही है जिसको आप फुलफिल करते हैं। जरा इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे हमने बात की, दीज नीड्स आर अराइज आउट ऑफ द बेसिक साइकोलॉजी ऑफ द लाइफ एंड इम्पोर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ और मैन। किसी भी व्यक्ति के जीने के लिए ये मूलभूत नीड है जो कि हमें चाहिए। जैसे हमने बताया रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि फूड, शेल्टर, वाटर, क्लोथिंग एंड एयर टू ब्रीथ। नो वन कैन लीव विदाउट ब्रीथ, राइट। तो ब्रीथिंग जो है, जो हवा है, वो भी हमारी प्राइमरी नीड है। दीज नीड्स आर यूनिवर्सल बट हैव डिफरेंट इंटेंसिटी।
अभी भूख सभी को लगेगी, हर जीव को इस दुनिया में भूख लगती है अगर वो जीवित है, लेकिन उस व्यक्ति की उस भूख की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग होगी। फॉर एग्जांपल कोई ज़्यादा एक तरह से हेल्दी पर्सन है तो वो हो सकता है ज़्यादा खाना खाए, ठीक है, और कोई दूसरा पर्सन है वो कम खाना खाए, ठीक है, ये हो सकता है। तो इंटेंसिटी मतलब कैपेसिटी वो अलग हो सकती है, ठीक है। दीज आर ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाई सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट बहुत इम्पैक्ट आता है आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स, आप क्या पहनेंगे ये आपके सोशल कल्चर पे डिपेंड करता है। आप कुर्ता पजामा पहनेंगे, आप पैंट शर्ट पहनेंगे, आप लुंगी पहनेंगे, दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन इन द सोसाइटी इन विच यू आर लिविंग, राइट। देन आप क्या खाएंगे, आपको भूख लगती है आप दाल चावल खाते हैं या आप जो है लाइक सपोज इडली डोसा खाते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कल्चर इन विच यू आर लिविंग, राइट। एंड वन मैन वॉन्ट वीट टू सेटिस्फाई द हंगर, अदर वॉन्ट राइस फॉर द सेम पर्पज। एज आई टोल्ड यू दैट इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद द सोसाइटी इन विच यू आर लिविंग। सो वॉट यू ईट, वॉट यू ड्रिंक, वॉट यू वेयर, एवरीथिंग हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द सोसाइटी। तो ये कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट भी इसके ऊपर होता है। देन सोशियो साइकोलॉजिकल नीड और सेकेंडरी नीड, एज द नेम सजेस्ट, दूसरे प्रकार की जो नीड है वो है सोशियो साइकोलॉजिकल। जब हमारी प्राइमरी नीड, ये नीड एक पैटर्न में चलती हैं। सबसे पहले अगर आपको एक कार की आवश्यकता है दूसरों को दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास कार होनी चाहिए, और खाने की ज़रूरत है, तो आप पहले अपना खाने का इंतज़ाम करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी नीड, है ना। बट सेकेंडरी नीड हमारी होती है विच इज़ रिलेटेड टू ब्रेन, मोर ओवर रिलेटेड टू ब्रेन, राइट, हमारी साइकोलॉजी से रिलेट करता है। जैसे मेरे पास एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, ठीक है, मेरे जो बच्चे हैं वो बड़े स्कूल में पढ़े हैं, दिस इज़ कॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड, राइट। सेकेंडरी नीड इसको हम कहते हैं। जब प्राइमरी नीड फुलफिल हो जाती है तो आदमी इसके लिए जाता है, कस्टमर इसके लिए जाता है। दीज आर रिलेटेड टू माइंड रादर देन द फिजियोलॉजी ऑफ द बॉडी। फिजियोलॉजी यानी कि जो शारीरिक क्षमता है उसके ऊपर डिपेंड ना करके ये दिमाग के ऊपर निर्भर करता है, और ये डेवलप होती है जैसे जैसे कोई व्यक्ति डेवलप होता है, यानी कि मैच्योर होता है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो उसकी जो सोचने की क्षमता, उसकी जो माइंड का स्टेटस है वो चेंज होता है। तो आप मानसिक संतुष्टि जिसे कह सकते हैं उसको हम साइकोलॉजिकल नीड कहते हैं, सोशल साइकोलॉजिकल नीड, जिसमें बिलोंगिंगनेस आता है जो हमने बात की। यानी कि आप चाहते हैं कि मेरे पास अच्छे दोस्त हों, आप चाहते हैं कि मेरे माता पिता मुझसे बात करें, ठीक है, और आपके माता पिता भी चाहते हैं कि आपका उनका बच्चा उनसे बात करे, दैट इज कॉल्ड बिलोंगिंगनेस। देन रिकॉग्नाइशन, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, राइट, माइट बी आप मोटिवेटेड नहीं हैं, आपके पास अच्छा पैसा है, आपके पास घर पे काफ़ी अच्छे पैसे हैं, तो इन दैट केस यू वर्क फॉर द पैशन, राइट, और कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि लोग आपको जाने, आपके काम को जाने, आपको रिकॉग्नाइज करें, ठीक है, आपको जिसे कहते हैं ना बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द वीक, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, कुछ इस तरह का रिकॉग्नाइशन आपको मिले, तो वो आप चाहते हैं। दिस कम्स अंडर साइकोलॉजिकल, दिस इज समथिंग टू सेटिस्फाई योर ब्रेन, अपने दिमाग को सेटिस्फाई करने के लिए आप कर रहे हैं। सेल्फ स्टीम की हमने बात की, ठीक है, अपनी एक साख होती है आपके पास। आपने देखा होगा कुछ लोग अगर वाइटी कपड़े पहनते हैं, ठीक है, उनको सूट करते हैं और उनकी रेपुटेशन उसमें दिखती है। देन सेंस ऑफ ड्यूटी, दिस इज रियली समथिंग टू थिंक ऑन। लाइक अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल नीड, कुछ लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं, अपने काम को बहुत सीरियसली लेते हैं, इवन स्टूडेंट्स भी अपने प्रोजेक्ट्स को, अपनी पढ़ाई को बड़ा सीरियसली लेते हैं, तो वो सेंस ऑफ ड्यूटी में आता है कि आप कितने पंक्चुअल हैं, अपने काम को लेकर के कितने सीरियस हैं, कितना उसमें डिवोट करते हैं। तो दिस इज़ नॉट टू अर्न, बिकॉज पैसे तो वो भी कमा रहा है जो कम डिवोट कर रहा है अपने आप को, वो भी उतनी सैलरी ले रहा है, लेकिन आपको भी उतनी सैलरी मिल रही है, लेकिन आप मानसिक रूप से अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई मैंने आज का काम अपना 100% दे करके कर दिया। देन जनरल नीड्स, वो नीड्स होती हैं जो कि इन दोनों में नहीं आती, यानी कि जो ना तो शरीर से संबंधित हैं ना ही मानसिक रूप से संबंधित हैं, इनको हम किसी कैटेगरी में नहीं डाल पाते, तो इसलिए हम इनको जनरल नीड कह देते हैं। जिसमें कि हम बात करेंगे मैनिपुलेशन, हम बात करते हैं क्यूरियोसिटी, यानी कि किसी चीज़ को जानने की इच्छा, जब हम बात करते हैं बच्चे में बहुत सारा जिज्ञासा होती है जानने की किसी चीज़ को, तो वो अब उसको वो कोई शारीरिक सुख दे रहे हैं, मानसिक सुख दे, ऐसा नहीं है, वो उसकी इंफॉर्मेशन बढ़ा रहा है, वो उसका एक क्यूरियोसिटी है, दैट विल कम्स अंडर जनरल नीड, ठीक है। कॉम्पिटेंसी यानी कि आप कितने कॉम्पिटेंट हैं किसी भी चीज़ में, किसी भी कार्य को करते हुए कितने ज़्यादा आप सहज महसूस करते हैं अपने आप को, तो वो इसके अंदर आती है। देन लव एंड अफेक्शन,
जब हम लव की बात करते हैं, एक मदर अपने बच्चे को लव करती है तो वो कभी भी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती है अपनी लाइफ में अपने बच्चों के लिए। एक मदर की जब हम बात कर रहे हैं तो वो कभी भी कोई उसके लिए एक तरह से उसके लिए कुछ वो पेमेंट नहीं मांगते हैं या उसके लिए कुछ भी रिटर्न में नहीं मांगते हैं। तो उनकी जो नीड आ रही है, लेकिन वो उठना चाहती है अपने बच्चे के लिए रात को भी, ठीक है, जागना चाहती है, उसको गोद में लेकर के घूमना चाहती है, उसको सुलाना चाहती है। ये जो चाहत है, दिस नीड इज़ नोन एज जनरल नीड बिकॉज इट कैन नॉट कम अंडर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल और प्राइमरी और सेकेंडरी नीड, ये दोनों के बीच में नहीं आ दोनों में नहीं आती, तो इसलिए इसको हम बीच में रखते हैं। तो ये हमारी तीसरे प्रकार की नीड होती है जिसको बोलते हैं जनरल नीड। तो सबसे पहले हमारी साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल या फिर आपकी बेसिक और प्राइमरी नीड पूरी होती है, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान। दूसरी हमारी आती है सेकेंडरी नीड जिसको हम बोल देते हैं बिलोंगिंगनेस रिकॉग्निशन या सेल्फ स्टीम। तीसरी हमारी आती है कॉम्पिटेंसी या मैनिपुलेशन या क्यूरियोसिटी या लव एंड अफेक्शन, जो कि दोनों में नहीं आते। फिर हम बात करेंगे वॉन्ट्स की। अभी नीड आपने पढ़ लिया, मुझे प्यास लगी, ये मेरी नीड है। आई वॉन्ट समथिंग टू ड्रिंक, राइट, द समथिंग विच कैन फुलफिल माई थ्रस्ट, दैट इज कॉल्ड सेटिस्फायर। जो भी मेरी वॉन्ट को, सॉरी, मेरी नीड को पूरा करेगा उसको हम सेटिस्फायर कहते हैं। तो प्यास लगी, ये नीड है। अब प्यास पानी से बुझ सकती है, दूध से बुझ सकती है, कोल्ड ड्रिंक से बुझ सकती है, ठीक है, जूस से बुझ सकती है। तो ये सभी क्या है, ये सेटिस्फायर है। तो जब मुझे कोई एक पर्टिकुलर सेटिस्फायर चाहिए अपनी नीड को पूरा करने के लिए, देन इट बिकम वॉन्ट, राइट। तो वॉन्ट का मतलब होता है इट इज़ द डिज़ायर टू स्पेसिफिक सेटिस्फायर ऑफ नीड, नीड को पूरा करने के लिए इस एक स्पेसिफिक यानी कि एक पर्टिकुलर सेटिस्फायर की जब हमें ज़रूरत होती है तो हम उसे कहते हैं वॉन्ट। मुझे प्यास लगी और मुझे सिर्फ कोको कोला कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड वॉन्ट, ठीक है। मुझे कुछ भी चाहिए तो खाली नीड है, प्यास लग रही है, कुछ भी चाहिए, है ना। लेकिन अगर मेरे को सिर्फ एक पर्टिकुलर मैंने बोल दिया मुझे यही चाहिए तो बन गई वॉन्ट, ठीक है। तो जब हम वॉन्ट के बारे में बात करते हैं तो वॉन्ट आर स्पेसिफिक, जैसे हमने बात की एन इंडियन फीलिंग हंग्री नीड्स फूड्स, है ना। कोई भी खाना उसको चाहिए, अगर कोई उसको हंग्री, अगर वो उसको भूख लग रही है तो उसको कोई भी खाना चाहिए, तो ये तो उसकी नीड होगी। लेकिन उसने बोला मुझे तो इडली वड़ा ही चाहिए, साउथ इंडियन था वो, उसने बोला मुझे इडली वड़ा ही चाहिए। उसने जब ऑर्डर किया तो उसने बोला आई वॉन्ट इडली वड़ा, राइट। सो दिस इडली वड़ा इज़ बिकम वॉन्ट, है ना, मुझे यही चाहिए अपने हंगर को फुलफिल करने के लिए। तो वैन नीड इज बींग फुलफिल्ड बाई ए स्पेसिफिक और ए पर्टिकुलर सेटिस्फायर, देन इट इज कॉल्ड वॉन्ट। जब हम अपनी नीड को किसी एक पर्टिकुलर सेटिस्फायर से सेटिस्फाई करते हैं, मैंने आपको बताया सेटिस्फायर वो होते हैं जिनसे हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, पानी, जूस, ये सब आपके थ्रस्ट को हटा सकती हैं, आपकी प्यास को बुझा सकती हैं। तो ये सारे सेटिस्फायर हैं, इनमें से किसी एक सेटिस्फायर के बारे में आपको डिमांड करना, दैट इज़ कॉल्ड वॉन्ट। अब बात करते हैं हम डिमांड की। तो डिमांड क्या होता है, डिमांड इज वॉन्ट प्लस परचेसिंग पावर। अभी मैंने बोला मुझे प्यास लगी, दिस इज़ माई नीड, मुझे कोको कोला कोल्ड ड्रिंक चाहिए 200 ml, ये मेरी वॉन्ट है, एंड इट कॉस्टिंग अराउंड 20 rupees, लेट सपोज 20 रुपये की वो आती है, मेरे पास 20 रुपये हैं तो वो बन गई डिमांड कंपनी के लिए, अगर मेरे पास 20 रुपये नहीं हैं तो वो वॉन्ट की वॉन्ट रह गई, क्लियर है। मान लीजिए मुझे भूख लगी, दिस इज़ माई नीड, मुझे जो है इडली वड़ा चाहिए, दिस इज़ माई वॉन्ट, इडली वड़ा 50 रुपये का है, आई डोंट हैव मनी, देन इट रिमेन्स वॉन्ट ओनली, बट अगर आई मेरे पास पैसे हैं तो मैं उसे खरीद लूँगा, इट बिकम वॉन्ट डिमांड। तो डिमांड का मतलब होता है व्हेन वॉन्ट इज़ बैक बाई परचेजिंग पावर। तो जब वॉन्ट को परचेजिंग पावर के साथ मिला दिया जाता है, परचेजिंग पावर मतलब किसी व्यक्ति की खरीदने की क्षमता, ठीक है, विलिंगनेस एंड एबल टू बाई, विल एंड एबल टू बाई, खरीदना चाहना और खरीद सकना। हमने जब पीछे आपको बताया था इंडिफरेंस कर्व बताता है आप क्या खरीद ना चाहते हैं, और बजट लाइन आपको क्या बताती है आप खरीद सकते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व यानी कि क्या खरीदना चाहते हैं और बजट लाइन क्या खरीद सकते हैं, ये दोनों जहाँ मैच करते हैं उसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं, या आप पीछे पढ़ चुके हैं, तो वही बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो जब व्यक्ति के पास उस चीज़ को खरीदने की क्षमता और इच्छा दोनों होती हैं तो हम उसे कह देते हैं डिमांड। तो डिमांड मीन्स द वॉन्ट बिकम डिमांड व्हेन इट इज़ बैक बाई परचेसिंग पावर। गो थ्रू द सेकेंड पॉइंट, वॉन्ट कब
डिमांड बन जाती है जब उसके साथ परचेजिंग पावर लग जाती है। एग्जाम्पल हम यहाँ ले रहे हैं, बहुत सारे लोग कुछ ट्रैवलिंग के लिए उनको चाहिए, अपने घर से जाने के लिए, अपनी फैमिली को लेके जाने के लिए, है ना। तो वो क्या हो सकती है, वो एक कार हो सकती है। ये क्या है, ये नीड है, कुछ चाहिए, ये नीड है ट्रैवलिंग के लिए, कुछ चाहिए, ये नीड है। अब उस कार में सेंट्रो है, उसमें आपकी ऑडी है, उसके अंदर आपकी मर्सिडीज है, उसके अंदर आपकी मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी है, तो ये सब क्या है, ये वॉन्ट है सर, राइट। और इसी वॉन्ट में अगर मैं कह दूं कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, तो ये मेरी वॉन्ट बन गई है ना, मुझे कुछ इधर से उधर जाने के लिए चाहिए था नीड, मर्सिडीज चाहिए, ये वॉन्ट है। मर्सिडीज के पैसे हैं तो बिनकन ये बन गई डिमांड, अगर नहीं है तो रह गई वॉन्ट, ठीक है। तो सब लोग खरीदना चाहते हैं मर्सिडीज, लेकिन सब नहीं खरीद सकते हैं, तो सबके लिए वो डिमांड नहीं बनती है, सबके लिए कुछ के लिए वो वांट ही रह जाती है, जिसके पास पैसे हैं उसके लिए वो डिमांड बन जाती है, राइट। तो कुछ प्रोडक्ट आप भी सोचिएगा, एक पूरा पैटर्न मुझे बना के बताइएगा कि नीड, वांट्स और डिमांड, ठीक है, इन तीनों के बारे में। चलिए नेक्स्ट मूव कर रहे हैं कोर कंसेप्ट में ही, प्रोडक्ट क्या होते हैं, तो प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सिंपल, आप लोगों ने प्रोडक्ट के बारे में जान रखा है, जो भी कुछ ऑफर की जाता है आपकी नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, एनीथिंग विच इज़ बिंग ऑफर्ड टू सेटिस्फाई योर नीड्स एंड वॉन्ट्स, ठीक है। आपको इधर से उधर जाने के लिए कुछ चाहिए था, मैंने बोला आप एक्टिवा ले लो, दिस एक्टिवा बिकम ए प्रोडक्ट। आपको दांत साफ करने के लिए कुछ चाहिए था, मैंने कहा आप कोलगेट का टूथब्रश ले लीजिए या टूथपेस्ट ले लीजिए, दिस बिकम ए प्रोडक्ट बिकॉज इट फुलफिल योर नीड्स एंड वॉन्ट्स, ठीक है। तो वो आपकी नीड्स वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करता है। प्रोडक्ट को हम ऑफरिंग भी कह सकते हैं, बिकॉज वी आर ऑफरिंग सम सॉल्यूशन टू यू, सो इट इज़ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम और एनी नीड। नीड क्या है, एक तरह की प्रॉब्लम है, भाई मेरे दांत साफ नहीं हो रहे, ये मेरी प्रॉब्लम है, तो दैट इज़ ए नीड। आई 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 कैन परचेज ए टूथपेस्ट एंड ब्रश, दैट विल बिकम ए प्रोडक्ट, दैट इज़ ए काइंड ऑफ ऑफरिंग, वो एक ऑफरिंग है, एक सॉल्यूशन है, मेरे दांत साफ हो जाएंगे उससे, तो ये क्या है, ये एक ऑफरिंग है। तो प्रोडक्ट जो होता है वो एक ऑफरिंग हो सकती है, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो मेजरली हम इनको तीन चीज़ों में डिवाइड करेंगे प्रोडक्ट को। टाइप ऑफ प्रोडक्ट में फिजिकल गुड्स आ जाता है, सर्विसेज आ जाता है, आइडियाज़ आ जाता है ना। फिजिकल गुड्स में जब हम बात करते हैं तो वो टेंजिबल थिंग्स हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि चेयर होगी, फैन होगी, सॉफ्ट ड्रिंक होगी, जिसको भी आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये अधिकतर स्टैंडर्डाइज होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर एक जैसे बन रहे हैं, फ़ैन एक जैसे बनते हैं अगर उसी मॉडल के हैं, मोबाइल फ़ोन एक जैसे बनते हैं अगर उसी मॉडल के हैं, तो उनमें बहुत वेरिएशन नहीं होता है। अगर वो वेरिएशन होता है उसको डिफेक्ट कह देते हैं, तो वो अच्छी बात भी नहीं है। तो ये फिजिकल गुड्स आ जाती हैं, इनको देख करके पहचानना, समझना, महसूस करना आसान हो जाता है। फिर आती हैं सर्विसेज विच आर इंटेंजिबल, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैं सर्विस दे रहा हूँ अभी लेक्चर, ठीक है, और हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो सर्विस लेते हैं, होटल्स में जाते हैं सर्विस लेते हैं, ठीक है, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कंसल्टेंट जो कंसल्ट आप करते हैं दैट इज़ ए सर्विस। तो ये सब सर्विसेज जो होती हैं इसको हम सर्विस में गिनते हैं, और ये स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकती। एक डॉक्टर हर किसी को एक जैसे नहीं देख सकता, ठीक है, टाइम टू टाइम वो सिचुएशनली उसको देखेगा। तो डिलीवरी एंड मेंटेनेंस हमने इसमें एग्जांपल लिया है, जब आप अपने घर पे मोबाइल फ़ोन पहुंचवा रहे हैं या आपके घर पे जो है दुकानदार सामान दे रहा है दैट इज़ विल बी, या मेंटेनेंस के लिए कोई आ रहे हैं आपके कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए या आपके फ्रिज को मेंटेन करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सर्विस, या आपकी बाइक की सर्विस कर रहे हैं। देन आइडिया, आजकल आइडिया भी अपने आप में एक प्रोडक्ट है, जैसे कि इंश्योरेंस इज़ एन आइडिया कि भैया अगर आप इतना इतना प्रीमियम देंगे और आपकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंटली, तो आपके परिवार को इतना जो है एक बोनस या एक लमसम में अमाउंट मिलेगा, दैट इज़ लाइफ इंश्योरेंस, है ना। तो कंसल्टेंट सर्विसेज ये सब क्या है, ये आइडियाज़ हैं। देन नेक्स्ट चलते हैं, तो हमने पढ़ा इसमें प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के बाद हम जो है आते हैं समरी पे। हमने अब इसमें क्या क्या पढ़ा, हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़ा इस लेक्चर में, इस वीडियो में। फिर हमने कोर कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, जिसमें हमने नीड्स, वॉन्ट, डिमांड और प्रोडक्ट, नीड्स, वॉन्ट्स, डिमांड और प्रोडक्ट, ये चार कोर कंसेप्ट हमने पढ़े। आपको कोई भी डाउट आता है यू कैन आस्क मी एनी टाइम, राइट। होपफुली आप इस को समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।